पढ़ाया, हम यहाँ से 300 रुपया खर्चा करके जाते हैं, वो भी टाइम अरेंज करके, और मात्र 15 मिनट पढ़ाया, 15 मिनट भी ठीक से नहीं पढ़ाया, और बोला आज इतना ही क्लास चलेगा। क्या बोल सकते हैं बताओ? हम एक भी जवाब नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए, सीरियसली होके गए क्लास, वहाँ से आने का मन नहीं कर रहा था। हम सोचे यहीं बैठ के पढ़ेंगे, शाम को 4 बजे आएंगे। तुम लोग छोटा में एक थोड़ा इधर उधर होता है तो बोलने लगता है। चलो कहाँ तक पढ़ाए थे बाबू? रिटेंटिविटी नहीं लिखाए थे, सुनो आज देखो, गप करने लगा। ए हो गया, एक घंटा साइलेंट रहो। देखो तुम लोग को इससे पहले पढ़ाए थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या पढ़ाए थे? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़िया से कंप्लीट हुआ नहीं था। इससे पहले एक और टॉपिक पढ़ाने लगे थे जिसको बोलते हैं क्या होता, परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम जो था वो बी इक्वल टू क्या था बोलो? बी बाय एच, याद है? हाँ आ जा बैठो आराम से आराम से। म्यू इक्वल टू क्या था बोलो? बी बाय एच। बी का मतलब क्या था बाबू बोलो तो? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, और एच का मतलब एयर, एयर से पास होने वाला टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसी के रेशियो को क्या कहा जाता है? परमेबिलिटी कहा जाता है। इससे हम लोग तीन चीज सीखे थे, मतलब तीन क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जब किए थे तो आया था डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, बात को समझो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू का वैल्यू क्या था? लेस देन वन, मतलब एक से क्या होता है? कम होता है, यही ना। और पारामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, या तो एक के बराबर होगा या फिर एक से ज्यादा। आ जाओ आ जाओ यहाँ बैठो खाली, यही ना। अच्छा उसके बाद एक और बताए थे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बाबू? फिर हाँ, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की एक और से सुनना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो म्यू का वैल्यू होता है वो क्या होता है? एक से बहुत ज्यादा। बता दी कि नहीं? एक से बहुत। ये तीन चीज अभी याद रखना दिमाग में, अभी हम लोग जरूरत पड़ेगा, ठीक है? अब आते हैं पीछे, आ जाओ जहां हम पढ़ा रहे थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, छूट गया था ना, उसको कंप्लीट करते हैं हम। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या था? द कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, है ना। तो मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटाइजेशन होने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैंने बताया था कि अगर जो सॉफ्ट आयरन होता है, क्या था बोलो? सॉफ्ट आयरन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब उसका मैग्नेटाइज ससेप्टिबिलिटी क्या हो गया? ज्यादा। अरे जो जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा उसका ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ज्यादा। जैसे स्टील, स्टील को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जल्दी मैग्नेटाइज होगा नहीं, तो उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? कम है। हम सारा चीज लिखा दिए थे कि नहीं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को जाई से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? लिखा था क्या? तो सुनो एक फॉर्मूला होता, मैं लिखो हेंस करके, लिखो सीधे, लिखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, जाई, इसको जाई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? जाई इक्वल होता है म्यू माइनस 1/4 पाई, ये याद रखना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जाई इक्वल टू क्या होता है बोलो? म्यू माइनस 1/4, ठीक है। अच्छा एक और इसमें हम लोग डिफिनेशन पढ़ेंगे जो कि जरूरत पड़ता है पढ़ने के लिए, है ना। लिखो एक, नोट करके लिखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, लिख लिया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, लिखो इसको, उसको दिख दिख लिखो, पूजा थोड़ा इसकी हेल्प करो लिखने में, हो गया। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, लिखा ना, इंटेंसिटी ऑफ एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो किसके किसके बीच का रेशियो होता है जल्दी बताओ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी बोलते हैं, अरे बोलो हाँ या ना, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी डिनोट करेंगे, लूड इज डिनोटेड बाई जाई, तो वही चीज होता है जाई इक्वल टू, एक और फॉर्मूला क्रिएट होगा, मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आई से डिनोट करते हैं, याद है कि भूल गया, बोलो हाँ या ना, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स को एच से डिनोट करते हैं, पिछला क्लास पढ़ा है ना, कल ही तो पढ़ा रहे थे, तो ये आगे एक फॉर्मूला, ये भी याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हो गया यहां तक, हुआ, लिखो केस फर्स्ट, बोले थे ना एक पेज छोड़ने के लिए, हाँ चार लाइन छोटे छोटे कर लिखो ना, लिखो केस फर्स्ट, लिखा फोर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, फोर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, लिखा क्या, फोर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू का वैल्यू कितना होता है, एक से कम, लेस देन वन, तो अगर म्यू का वैल्यू एक से कम होगा तो म्यू का वैल्यू यहां पुट करेंगे, म्यू का वैल्यू एक से कम, जो भी वैल्यू आएगा जाय का नेगेटिव आएगा, आएगा ना, तो याद रखना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना। हो गया, लिख लिया क्या, लिखो केस टू, फोर पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, फोर लिखो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस केस टू में, फोर लिख लिया क्या, पारामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू का वैल्यू क्या होता है भाई, हाँ या तो एक के बराबर होता है या तो वन होता है, अच्छा मियाँ डालेंगे, चलो तुम लोग बुद्धि लगाएगा, अक्सर एक के बराबर हो तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज ए पॉजिटिव इंटीजर, बोला है ना, पॉजिटिव ही मानते हैं ना, और एक से ज्यादा होगा तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव, तो जाय का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव, तो याद रखना पारामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए भी जाय का वैल्यू क्या होता है, बोलो पॉजिटिव होता है। केस थर्ड, केस थर्ड लिख लिया क्या, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए तो म्यू का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, बताया था ना, बहुत ज्यादा होता है, कल सब बात किए थे सब, तो जाई का वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगा, क्या होगा बोलो, पॉजिटिव, कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा रिटेंटिविटी लिखा कि नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा सुनो, हम रिटेंटिविटी ये समझाए थे कि जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होता है, अरे बोला है ना, जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है उसका रिटेंटिविटी क्या होगा, ज्यादा, तो सीधे बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज कॉल्ड रिटेंटिविटी, हाँ ये ना, नहीं लिख सकता है, लिख सकते हैं, लिख लो, सिंपली खत्म हो गया।
रिटेंटिविटी का मतलब समझो कि जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगा उसका रिटेंटिविटी क्या होगा, कम, और जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम होगा उसका रिटेंटिविटी ज्यादा। समझ में आ गया, तो सीधे लिख लो रिटेंटिविटी। तो सीधे लिखो रिटेंटिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। रिटेंटिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। कुछ नहीं बोले क्या? रिटेंटिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना? तो लिख सकता है कि रेसिप्रोकल मतलब वन बाय होता है ना, यहाँ लिख रिटेंटिविटी इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी लिख दें, मैग्नेट ऐसे करके लिख लो, याद रहेगा। अच्छा एक बात होता पूछता एग्जाम में कि सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है कि कम होता है? सॉफ्ट आयरन का देखो सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि इस सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है और हटाने पर जल्दी डीमैग्नेटाइज। तो जो जितना जल्दी डीमैग्नेटाइज होगा उसका रिटेंटिविटी कम होता है। बात समझ में आ गया? तो मतलब इसके पास ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, ज्यादा। उसी तरह स्टील का बात करें तो स्टील का रिटेंटिविटी ज्यादा होगा, ससेप्टिबिलिटी कम होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर देर से मैग्नेटाइज होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से हटाने पर बहुत देर के बाद भी डीमैग्नेटाइज। तो ऐसे सोचो कि जो जितना देर डीमैग्नेटाइज होगा उसका रिटेंटिविटी उतना ही ज्यादा। कोई दिक्कत है? तो यहीं से बोले थे, समझाए थे कि इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन का, इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए, जबकि स्टेबल मैग्नेट बनाने के लिए स्टील का यूज क्यों किया जाता। अब समझ में आया क्यों किया जाता है? अरे स्टेबल मतलब समझ रहा कि नहीं, ऐसा मैग्नेट जो हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, तो ऐसा मैग्नेट बनाने के लिए स्टील का यूज क्यों करेंगे? क्योंकि उसके पास रिटेंटिविटी ज्यादा होगा। अरे बोलो हाँ या ना? तो इस तरह का क्वेश्चन है तो नहीं लिख लेगा, कोई दिक्कत है? तो ये बात ध्यान रखना। तो स्टेबल मैग्नेट बनाने के लिए जो है स्टील का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका रिटेंटिविटी क्या होता है, ज्यादा। भले ही वो देर से डीमैग्नेटाइज हो, सॉरी देर से वो मैग्नेटाइज हो, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फील्ड से बाहर लाते हैं तो बहुत देर के बाद क्या होगा, डीमैग्नेटाइज भी होगा, मतलब इसके पास रिटेंटिविटी बहुत ही ज्यादा। और रिटेंटिविटी ज्यादा होने के कारण इसको हम लोग स्टेबल मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। क्या बनाने के लिए? स्टेबल मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं। कोई दिक्कत है? और इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए जितना जल्दी मैग्नेटाइज होता है उतना जल्दी ये डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सिंपल था, ठीक है? अब हम लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। अब लिखो राइट द डिफरेंस बिटवीन, ऐसे लिखो राइट द डिफरेंस अमोंग द लिखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हाँ, अमोंग द, राइट द डिफरेंस अमोंग द, लिखा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, है ना? एक तरफ लिखो डाई, एक तरफ लिखो पारा, एक तरफ लिखो फेरो, लिख लिया। एक तरफ लिखो डाई, लिखा ना डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और एक तरफ क्या लिखे बोलो, पारा, और एक तरफ लिखेगा फेरो, लिख लेगा। पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस, एक तरफ लिखो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, लिख लिया क्या? डाई, पारा और फेरो।
देखो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होती है, मैग्नेटाइज होता है मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में, मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल, ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता हो, मैग्नेटाइज होता है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करता हो, रिपेल, पढ़ा है सब, बोला है ना, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करेगा, रिपेल करता, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल को बोलेंगे हम लोग डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, क्या बोलेंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, समझ में, और ये भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट, बट ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक, सॉरी स्मॉल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटाइज, लेकिन इसमें लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट, याद है, सब पढ़ाए थी सब, तो लिखो लिखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, पहला पॉइंट देखो लिखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, लिखो डाई, हाँ डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, लिखा क्या बोलो जल्दी, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज, लिख लिया, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लिख लिया, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, बोलो मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहां लिखो, अब समझ गया, इधर लिख लिया खुद से, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, अच्छा इसमें और लिखो, एड लिखो, इसमें क्या लिखा जल्दी, वो तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड लिखो एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपल्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, एंड लिखो एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपल्स, लिखा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, रिपल्स करता है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में लिखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, लिखा क्या, लिख लिया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, लिखो क्या लिखेगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज अट्रैक्टेड, ठीक है लिखा ना, एंड इट इज अट्रैक्टेड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या फिर स्मॉल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, हम लिखा दे, टेंशन मत लिखो, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज अट्रैक्टेड स्मॉल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इट इज अट्रैक्टेड स्मॉल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इट इज अट्रैक्टेड, लिखा स्मॉल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, बहुत अच्छा, हो गया यहां तक, ये लिख लिया पारा, क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिखा ना, फेरो लिखो सेम था, लेकिन इसमें क्या लिखेगा, स्मॉल की जगह क्या लिख देगा, लार्ज,
क्या लिख देगा, ये पगला था याद है कि नहीं, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक लाइन से फोर्स को अपनी और क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा। तो लिखो इसके जगह, लिखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन से फोर्स एंड इट इज अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ। चलो अब देखो आगे, दो पॉइंट लिख लिया ना, एक हो, दूसरा पॉइंट में आ जाओ। डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू का वैल्यू बोलो, म्यू का मतलब परमेबिलिटी, म्यू का मतलब परमेबिलिटी का वैल्यू क्या होता है बाबू, लेस देन वन। इसको कहाँ छोड़ना है, इसको भी लिखना है। इसके लिए बताओ दूसरा पॉइंट सब पढ़ा दिए हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, और इसके लिए बोलो वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, कोई दिक्कत है। ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं, ससेप्टिबिलिटी करें ना, इसके लिए क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, इसके लिए क्या होता है पॉजिटिव होता है, और इसके लिए क्या होता है, इसके लिए भी पॉजिटिव होता है। और एग्जाम्पल लिख लेगा, जानता है, जानता है क्या क्या इसमें, ए यू ए जी सी यू, इटी सी लिख देना, सी यू होता है ना, और इसमें बोलो एल्युमिनियम बिस्मथ लिख लेना, और यहाँ पे चौथा इसका इसका बता दो, निकेल कोबाल्ट आयरन, क्या हुआ, अरे हुआ, यहां तक लिख लिया ना, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन बोले ही नहीं, लिखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन, लिखो फाइंड द रिलेशन बिटवीन, लिखा परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, फाइंड द रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, लिखा क्या, फाइंड द रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, फाइंड द रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है।
देखो हो गया, तुम लोग को अगर याद आ रहा हो, देखो थोड़ा सा याद दिलाते हैं, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन आई, बी इक्वल टू क्या होता है, तो बी इक्वल टू बोलते हैं म्यू और एन आई को बोलते हैं एच, याद आया, एच को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स या फिर मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है ना, ये मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है और इंटेंसिटी ऑफ, एक और पढ़ाए थे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये दोनों ही सेम ही है, ये दोनों क्या है बोलो सेम, तो जब इसको हम जब आई के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू म्यू नॉट आई भी हम लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब ही इंटेंसिटी होता है, इसका मतलब ही क्या होता है इंटेंसिटी, ठीक है, ये टर्म याद रखना, एच का मतलब ही क्या होता है इंटेंसिटी और आई का मतलब क्या होता है इंटेंसिटी, बहुत अच्छा, गौर से सुनना, वो तो पढ़ाए हैं पहले, अब गौर से सुनना मेरा बात, जैसे मान लो यहां मैग्नेटिक फील्ड है, कौन सा फील्ड है मैग्नेटिक, और मैग्नेटिक फील्ड में हम एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, वो मैग्नेटाइज होगा, बोला है ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक मटेरियल को रखेंगे, ये क्या होगा मैग्नेटाइज होगा, क्या होगा बोलो, मैग्नेटाइज जो होता है, गौर से सुनो, ये जो मैग्नेटाइज होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, किसके फील्ड के डायरेक्शन में, मे बी वो पारा ये फेरो हो सकता है, बोला है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन में क्या हो गया बाबू मैग्नेटाइज, मान लो इसमें जो अप्लाई किया गया मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मान लो बी नॉट है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है बी नॉट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है बी नॉट, और ये मैग्नेटिक मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं बी एम, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एम का मतलब मटेरियल, समझ में आ गया, तो बी एम जो है जो इसमें मैग्नेटाइज होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बोलो बी एम, अरे बात समझ में आ रहा है ना, बी एम क्या है मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर जो मैग्नेटाइज होता है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बी एम, क्या बोल रहे हैं बोलो बी एम, कोई दिक्कत नहीं, अब देखो बी नॉट का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, बी नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं बी इक्वल टू बी, देखो बी नॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट और इनटू एच, क्या लिख सकते बोलो म्यू नॉट और इनटू एच, लेकिन मैग्नेटाइज हो रहा है, क्या रहा बोलो मैग्नेट, मैग्नेटाइज होगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सॉरी मैग्नेटाइजिंग फोर्स काम करेगा, क्या काम करेगा बोलो मैग्नेटाइजिंग फोर्स, अरे मैग्नेटाइज होगा तो मतलब क्या है मैग्नेटाइजिंग फोर्स काम करेगा और मैग्नेटाइजिंग फोर्स काम करने का मतलब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइज क्या होगा बोलो, तो बी एम के जगह हम लोग लिखेंगे, बी एम के जगह हम लोग यूज करेंगे म्यू नॉट आई, क्या यूज करेंगे म्यू, आई क्या है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म बोलो, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बोलो, बोला है ना, और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, सबसे कोई दिक्कत है, अब बोलो, अब इसमें जो ये दो टर्म यूज करेंगे, अगर हम लोग बी लिखें, क्या लिखे बोलो बी, बी का मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलो, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड की जगह हम लोग यूज करेंगे म्यू एच, क्या यूज करेंगे बोलो म्यू एच, जिस तरह ये म्यू नॉट एच लिखे उस तरह बी के लिए बी इक्वल टू म्यू एच लिख सकते हैं, अब देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, बोलो हाँ या ना, ये दोनों किस डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई, क्या बोल रहे हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएगा, है ना, तो सीधे लिखे हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा रिलेशन किसके किसके बीच निकालना है, परमेबिलिटी यानी कि म्यू, बोला है ना, परमेबिलिटी यानी कि म्यू, समझ रहा है कि नहीं, और किसके बीच बाबू जाए, यही ना, इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, यही है ना, तो देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन दैट, सुनो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक बोलो फील्ड 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 फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल टू होगा B नॉट प्लस बी एम, लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में भी चाहे तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जब न्यूमेरिकली हम लोग बात करते तो वेक्टर का साइन नहीं देते हैं, बस समझ में आ रहा, तो चलो B का वैल्यू बोलो, B का वैल्यू म्यू और इनटू एच, म्यू और इनटू एच, बहुत अच्छा, बी नॉट का वैल्यू बोलो म्यू नॉट और इनटू एच, बोला है ना, बी एम का वैल्यू बोलो म्यू नॉट आर इनटू आई, कोई दिक्कत, अब इस टर्म को क्या करें कॉमन उमर भी ले सकता है, उससे अच्छा हम डिवाइड कर देते हैं, क्या करते थे बोलो, इन दोनों को ना मतलब ये जो दिख रहा है, अरे समझ रहा है कि नहीं, इसको हम पूरे इस इक्वेशन को मान लो इस इक्वेशन का नाम फर्स्ट दे दिए, क्या दे दिए बोलो फर्स्ट, इसको डिवाइड कर देते हैं म्यू नॉट इनटू एच से, किसे डिवाइड कर देंगे म्यू नॉट, तो लिखेंगे डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, डिवाइडिंग इक्वेशन बोथ साइड बाय
म्यू नॉट इंटू एच, किससे डिवाइड कर रहे हैं म्यू नॉट, तो म्यू नॉट इंटू एच से डिवाइड करेंगे तो यहां लिखेंगे म्यू बाय एच, बोला है ना, और इंटू क्या लिखेंगे बाबू, म्यू नॉट एच इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट इंटू एच, और बाय क्या होगा म्यू नॉट इंटू एच, प्लस क्या होगा म्यू नॉट इंटू आई, बाय क्या होगा म्यू नॉट इंटू एच, बोलो कोई दिक्कत, ये से कैंसिल होगा एच से एच लुढ़क जाएगा, ये तो पूरे लुढ़क जाएगा, और ये से म्यू नॉट गया, अरे बोला है ना, यहां क्या बचा म्यू म्यू वाई, बहुत अच्छा, इक्वल टू यहां वन, प्लस यहां क्या बचा आई बाई एच, आई बाई एच कुछ याद आ रहा है, कॉपी देखो पीछे पढ़ा है, बोला है ना, बोलो ससेप्टिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, कोई दिक्कत, तो यहां आई बाय एच के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, जाई लिख तो दिए, तो बोलो म्यू बाय म्यू नॉट, अरे बोलो हाँ ना, इक्वल टू वन प्लस ओहो मल्टीप्लाई लिख दे रहे हैं, क्या होगा बोलो जाइम, कोई दिक्कत, इसको सजा के और अच्छा से लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, अरे बोलो हाँ ना, और यहां से वन प्लस जाई, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा इसके जगह एक और यूज कर सकते हैं हम लोग टर्म, पहले लिख लो, एक लाइन और बढ़ा देंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसे भी तुम लोग को हमको भरोसा तो है नहीं, लेकिन यहां पे हम लिख देते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, ये क्या है बोलो मैग्नेटाइजिंग फोर्स, अब समझ जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, हाँ एक ही चीज है मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी या फिर बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एक ही चीज है, तीनों लिख लेना तीनों, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, नहीं कुछ कुछ होता है बोलते सर अंदाजी लिख रहे हैं है नहीं, समझ रहा है,
पिक्चर बनाएगा, ये तीनों पॉइंट नोट करके लिख लेगा, ठीक है। फिर से वही वाला शुरू से ऐसे ही टेस्ट होता है, पढ़ो फिर रोना धोना नहीं चलेगा। मेरे सामने पांच सब्जेक्ट है, ये वो है, तुम्हारा अकेले नहीं है, तुम लोग साल भर से क्या किया बताओ है? मतलब इसका मतलब तो साफ पता चलता है कि तुम लोग साल भर से पढ़ाई ही नहीं किया कुछ, क्या है कि नहीं? अब जाके कॉपी उलाटेगा, इसका मतलब कुछ तो पढ़ा होगा ना, पहले में तो टेस्ट हो चुका है, ऐसा बात तो नहीं कि नहीं हुआ है। और हमको लग रहा है ईमानदारी से पढ़ेगा ना, तो एक चैप्टर को खत्म करने में दो दिन लगेगा, दो दिन नहीं, हद से हद दो दिन। अगर मान लो शुरू से पढ़ो नहीं किया है, खाली क्लास किया ढाप के रख दिया है, तो उसके लिए बोल रहे दो दिन लगे, और जो पहले पढ़ा तो एक दिन में खत्म कर देगा आराम से। और ऐसा देखो, तुम लोग के मुंह से सुन रहे हैं ना ये बात, ये कोनो आज नया नहीं है, ये मेरे लिए बात समझ में आ रही, ये हम हर साल सुनते हैं बात समझ। और अभी आगे आने वाला टाइम में और सुनेंगे, कितनों बार टेस्ट लेंगे, तुम लोग को तैयारी होगा ही नहीं, एक दो का होगा, सबका होगा ही नहीं, कितनों टेस्ट ले लें, पढ़ता ही नहीं है ठीक से। और हर टाइम रोना धोना बोलेगा, सर केमिस्ट्री भी इतना पढ़ना है, फिजिक्स भी करना है, दो ही ऑप्शन है, या तो पढ़ो या तो छोड़ दो, चॉइस इज योर्स। वो ऑप्शन है ही नहीं, लिखो व्हाट इज क्यूरीज लॉ। हाँ ठीक ठीक ठीक, इसको एक लाइन और बढ़ा लो, क्या बोलते, एक लाइन कहाँ गया, म्यू क्या था, म्यू इक्वल टू हाँ 1 प्लस, एक लाइन खाली पड़ा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अभी तो यही लिखे थे, कुछ याद आ रहा है देख के इसको, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और इनटू म्यू आर, तो यहाँ म्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू बाय म्यू नॉट, तो इसके जगह हम लोग म्यू आर लिख सकते हैं, यहाँ इनटू लिखा जा रहा है, प्लस होगा ना, क्या गुस्सा में नहीं रहते हैं हम, लिखा अब लिख लो खुद से, क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ लिख लिया क्या, क्यूरीज लॉ लिखा, क्या होता है क्यूरीज लॉ, कुछ पता है, आइडिया है नहीं है, ठीक कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं ना, देखो फोर पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस, फोर
कहता है कि जब किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है, क्या बढ़ाया जाता है? टेम्परेचर को बढ़ाया, तो उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी घटता है। उसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ठीक है, लिखो फोर पा, ऐसे लिखो ना, लिखो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, लिखो लिखो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, लिखो व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, लिखो देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज डिक्रीज्ड, देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी when the temperature is increased for paramagnetic substance, dekha temperature is increased for paramagnetic substance, then magnetic susceptibility is decreased by this relation, by this relation, kya hai relation? Jai is directly proportional to 1 by T. Is relation se kya hoga? Jai ka value ghatega. T badhayenge, Jai ka value kya hoga? Ghatega. To jab bhi proportional ka sign hatate kuch na kuch constant, is bar constant lagega C, to C by T aayega. Kya kya bolo C by? Hai na? Isko bolte hai Curie's law. This is called Curie's law. Kya? Curie's law, है ना? Where C is called Curie constant, where C is called, थोड़ा time है ना तुम लोग पास, class नहीं ना अभी? 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, थोड़ा late से जाएगा तो क्या दिक्कत है? यहाँ late से आता तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्या है कि नहीं? Where C is called का Curie's constant, C को क्या कहते हैं बोलो? Curie constant, बोलो कोई दिक्कत है? चलो दो लाइन का है, थोड़ा प्रूफ कर देते हैं। एक मिनट लगेगा रे, छोटा मोटा लिखो। अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, लिखा गया नहीं लिखा तो लिखो, अभी भी चार मिनट समय है, चिंता मत करो। लिखा अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, अरे लिखा रे भाई, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ लिखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, according to Curie law, intensity of magnetization I, intensity of magnetization I लिखा directly proportional to magnetic field, according to Curie law, intensity of magnetization I, लिखा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। Temperature of the material according to Curie's law, intensity of magnetization I is directly proportional to magnetic field and inversely proportional to temperature of the material, ठीक है? तो क्या क्या समझे हम लोग? दो बात समझे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटेशन आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड बी, और दूसरा क्या समझे? और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय टी। कोई दिक्कत? इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे भाई, और इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन टू। कोई दिक्कत है?
अरे बोलो हाँ या ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, कॉम्बिनेशन करो क्या हो जाएगा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाय टी, बी बाय क्या होगा बोलो, टी, बोलो कोई दिक्कत है, है ना, कोई दिक्कत है। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन एक बात सुनो, लेकिन हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानता है, कुछ तो जानता होगा ना। अच्छा एक बात बताओ, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, है ना, उतना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स आएगा, उतना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी आएगा, बोलो कोई दिक्कत है, मतलब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, मतलब कहने का मतलब बी की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एच, कोई दिक्कत, बी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, एच। तो दिस इक्वेशन बिकम्स, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की जगह वी यूज एच और बाई क्या लिखेंगे, टी, कोई दिक्कत, अरे बोलो हाँ या ना, नहीं बोल, हो गया क्या, हो गया, कहां से आया है तुम लोग, इतना टाइम लगा रहा लिखने में, तुम लोग अर्थ का भाषा समझता है, लिख सकते हैं आई बाय एच, लिख सकते हैं ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाय टी, कुछ याद आ रहा देख के, लिख सकते हैं इसकी जगह प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो लास्ट में, दिस इज कॉल्ड क्यूरीज लॉ। हाँ सर, लेकिन एक थोड़ा और रुकेगा तो मजा आ जाता, कुछ नहीं करेंगे खाली छाप देंगे, दो नंबर में आता रहेगा दा, जाना तो जाओ, ड्रामा मत करो। कौन लगे सके मतलब, इसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई किए, आई बाय एच, अच्छा छोड़ो नेक्स्ट क्लास पढ़ा देंगे, जाओ आराम से आराम।